हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नोवेल। इस मिसलिनियस टॉपिक्स में ये हमारा पार्ट फोर है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इससे पहले देखिए हमने तीन रखे हैं, सबमिट, कॉन्फ्रेंसेस और बुक्स एंड ऑथर्स और रैंक इंडेक्सेस, जिससे अगर कम करंट अफेयर्स का वेट है तो वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये रखें, सॉरी यहाँ पे ये 50 क्वेश्चंस थे, तो जनवरी से लेकर सितंबर तक है यहाँ पे। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड ये मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, WHO की तरफ से इन्हें जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है गोल्ड रिकॉग्निशन अवार्ड, एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट। देखिए ये भी गोल्ड रिकॉग्निशन है तो कन्फ्यूज़न हो सकता था, तो इसको ध्यान रखिएगा, एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन। तो ये मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, GMR हैदराबाद एयरपोर्ट लिमिटेड, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है जापान फुकुओका ग्रांट। देखिए जापान का फुकुओका जो ग्रांट प्राइस मिला है वो पी साईनाथ को मिला है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर। तो देखिए लार्सन टूब्रो को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर, ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो इन्फो टेक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोर नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0, कोर नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 IIT खड़गपुर को मिला है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, इनविंसिबल गोल्ड मेडल। इनोवेशन देखिए है, इनोवेशन पार्टनर लार्सन टूब्रो है। इनविंसिबल गोल्ड मेडल इंटरनेशनल ये मिला है रमेश पोखरियाल को, जो कि कौन थे? फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब दूसरे हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, क्योंकि कैबिनेट जब चेंज हुई थी तो ये भी चेंज हो गए। नेक्स्ट है व्यास सम्मान। देखिए यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, देखिए प्राइमरी जो पेपर हुआ था उसमें ज़रूर आए थे, ज्ञानपीठ, व्यास, सरस्वती, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पेपर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्यास सम्मान देखिए शरद पगाड़े, ठीक है, तो याद क्या रखेंगे? व्यास का पगाड़े, ठीक है, व्यास पगाड़े इससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको शरद याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा सरस्वती सम्मान में। सरस्वती सम्मान है शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है, शरण, सरस्वती मिला है शरण, तो इसलिए सरस्वती शरण याद रखिएगा और व्यास पगाड़े याद रखिएगा, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला है ये नंबूथरी को मिला है, पूरा इनका नाम अक्कीथम अच्युथन नंबूथरी है, तो ये याद रखिएगा, और इनकी डेथ भी हो चुकी है, ज्ञानपीठ नंबूथरी, ठीक है, ऐसे याद रखिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये तो काफ़ी बिगेस्ट अवार्ड है, तो ये मिला है रजनीकांत को इस बार का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक्स टाइम जब कहेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट में तो रतन टाटा आ जाएगा, और जब कहेंगे टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम, तो देखिए टाटा से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका आंसर रतन टाटा। जब रतन टाटा कौन है? बिजनेसमैन है, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स जब आएगा तब रतन टाटा आएगा, जब लिटरेचर लाइव आएगा तो रस्किन बॉन्ड आएंगे। क्यों? इनकी बुक्स आती रहती हैं रस्किन बॉन्ड की, इंपॉर्टेंट बुक्स, और इनको ये अवार्ड किस पे मिला है? रस्किन बॉन्ड की अभी एक बुक आई थी, अभी हमने बुक ऑथर से बताई थी, वंडरफुल लाइफ, उस पे इनको मिला है लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन, कमला हैरिस हैं। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर हेमंत कुमार पांडे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव। तो तीनों एक बार देख लीजिएगा, पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन, कमला हैरिस हैं, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर हेमंत कुमार पांडे हैं, किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बेस्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड। देखिए एयरपोर्ट पे दो अवार्ड जो हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे रखे हैं, तो इसे याद रखिएगा, बेस्ट एयरपोर्ट स्काईट्रेक्स के अकॉर्डिंग, स्काईट्रेक्स के अकॉर्डिंग है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? कतर की कैपिटल दोहा वहाँ पर है, ठीक है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ये कहाँ मिला? दोहा में। नेक्स्ट है प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड, प्लैटिनम पार्टनर ये EPFO, इसको मिला, EPFO क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, तो इसे याद रखिएगा, प्लैटिनम पार्टनर EPFO। नेक्स्ट है GD बिरला अवार्ड, GD बिरला अवार्ड है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है, GD बिरला अवार्ड प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। नेक्स्ट है मिस, अब मिस इंडिया मिस यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। देखिए मिस इंडिया कौन थी हमारी इससे पहले? मानुषी चिल्लर थी, इस बार बनी है मानसा वाराणसी, ये कहाँ की है? तेलंगाना की है, ठीक है, तो वो भी एम से थी, ये भी एम से हैं, याद रखिएगा, मानसा वाराणसी,
मिस इंडिया। उसके बाद मिस यूनिवर्स जो है ये क्या है, एंड्रेस मेजा ऑफ मैक्सिको। तो इसे याद कैसे रखेंगे, मैक्सिको की मेजा, यूनिवर्स है ऑब्वियसली ये वर्ल्ड में आ जाएगा, तो मैक्सिको की मेजा ऐसे याद रखिएगा। फिर मिस इंडिया यूएसए ये कौन बनी है, वैदेही बनी है, मिस इंडिया यूएसए वैदेही। नेक्स्ट है बुकर अवार्ड। अब देखिए बुकर अवार्ड जो है ये किसको मिला है 2020 का, ये डगलस स्टुअर्ट को मिला है। ठीक है, अभी जो 21 का है वो आगे दिसंबर में अनाउंस किया जाएगा, तो वो अभी आपके पेपर में तो आएगा नहीं, तो इसको याद रखिएगा 2020 का है, डगलस स्टुअर्ट को मिला था बुकर प्राइस। इसके बाद आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइस। तो देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइस जो 2020 है, तो इसके साथ याद रखिएगा मारिके लुकास, बुकर था डगलस स्टुअर्ट, इंटरनेशनल था मारिके लुकास। ठीक है, अगर अब आते हैं 21 में, अगर हम 21 की बात करें तो ये मिला है डेविड डायोप को। अभी हमने बुक्स ऑथर में बताया था कि इनकी एक बुक इन्होंने लिखी है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ये करके इनका टाइटल है, तो वो है डेविड डायोप की, तो उन्हें ही जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइस मिला है, इसलिए वो बुक भी इम्पॉर्टेंट है और इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 21 का ये है और 20 का मारिके लुकास है। नेक्स्ट है जर्मन बुक ट्रेड। अब ये भी एक बुक करके ही है, तो ये किसको मिला है, ये अमृत सेन को, ये भी अपने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइस, अमृत सेन। नेक्स्ट है भारत भारती, भारत भारती सूर्य बाला को मिला है, भारत भारती सब इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं यहाँ पे, भारत भारती सूर्य बाला। टैगोर अवार्ड, अब देखिए टैगोर से रिलेटेड दो अवार्ड हैं, एक टैगोर एक रवीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड, तो इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अब सुनिए टैगोर अवार्ड जो मिला है दो लोगों को मिला है, कबूस बिन सईद और संदीप सोपारकर। ये जो संदीप सोपारकर हैं कोरियोग्राफर हैं, और कबूस बिन सईद ये ओमान के फॉर्मर किंग थे, इनकी डेथ हो चुकी है, और इनको साथ ही में 2020 का, देखिए इनको 2020 का टैगोर अवार्ड भी मिला और गांधी पीस प्राइज़ भी मिला। ठीक है, गांधी पीस प्राइज़ कबूस बिन सईद को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब गांधी पीस प्राइज़ 21 जो मिला है 2021, वो मुजीबुर रहमान को मिला है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है मुजीबुर रहमान। ठीक है, इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं। 21 के लिए गांधी पीस प्राइज मुजीबुर रहमान को मिला है, और 20 का कबूस बिन सईद को मिला है, इनकी डेथ हो चुकी है, ओमान के किंग थे, और इनको टैगोर अवार्ड 2020 भी 20। नेक्स्ट अब आता है रवींद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड, ये मिला है राजकमल झा को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जिसमें सिर्फ टैगोर है वो ये हो गए, जिसमें आर लगा देते रवींद्रनाथ, तो आर से आर कनेक्ट कीजिएगा राजकमल झा। नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा टाइगर TX2 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, यूपी में है पीलीभीत, और यहाँ पे टाइगर का नंबर क्या हो गया, डबल हो गया था, तो ये अवार्ड मिला है कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आते हैं किसमें एक्सेलेंस, टेलीकॉम स्किल। तो टेलीकॉम स्किल जो मिली है वो श्रीनिवास कर्णम और प्रोफेसर सुब्रता को मिली। ठीक है, श्री दोनों ऐसे हैं, श्रीनिवास और सुब्रता, श्रीनिवास सुब्रता याद रखिएगा, टेलीकॉम स्किल श्रीनिवास सुब्रता ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। अब कौन है, ये एथलीट हैं दुती चंद, इनको मिला छत्तीसगढ़ वीरनी दुती चंद को मिला है। नेक्स्ट है UNPA, यहाँ पे पी क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन जनसंख्या, ये मिला है हेल्प एज इंडिया को। ठीक है, इसमें बूढ़े लोगों की बात है, हेल्प एज इंडिया UNPA UN, अब यहाँ पर है ये तीनों UN से रिलेटेड हैं। देखिए UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड मिला है, अब इन्वेस्टमेंट है तो किससे क्या है, इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन्वेस्ट इंडिया याद रखिएगा। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड बाय UNCCD के थ्रू मिला है लैंड फॉर लाइफ, ये मिला है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, इसे पेड़ों से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। नेक्स्ट है जेम्स वॉट अवार्ड, जेम्स वॉट अवार्ड मिला है मधु माधवी को, मधु माधवी को। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड, फूड के देखिए दो हैं, एक वर्ल्ड फूड है एक फूड सिस्टम विजन है, तो वर्ल्ड फूड जो है वो है शकुंतला हरक सिंह, वर्ल्ड फूड है शकुंतला हरक सिंह, और फूड सिस्टम विजन है नांदी फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है नांदी फाउंडेशन फूड से रिलेटेड। ठीक है, इसे याद रखिएगा फिर से एक बार, वर्ल्ड फूड शकुंतला हरक सिंह को, फूड सिस्टम विजन नांदी फाउंडेशन को मिला है।
नेक्स्ट है बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस, उमंग ऐप को मिला है बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस उमंग ऐप। नेक्स्ट है बिहार अवार्ड्स, ये मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। याद कैसे रखेंगे, बिहार से बोहरा, बिहार बोहरा, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है ई पंचायत अवार्ड यूपी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था पंचायती इलेक्शन, तो यूपी में, तो ऐसे याद रखिएगा ई पंचायत अवार्ड यूपी। नेक्स्ट है एमिनेंट इंजीनियर, ये किसको मिला है, विनोद कुमार यादव को, वी के यादव। ये कौन थे, ये फॉर्मर रेलवे के कौन थे, सीईओ थे, ठीक है। अब दूसरे हैं, ये पहले थे, तो वी के यादव याद रखिएगा, इन्हें एमिनेंट इंजीनियर का अवार्ड मिला। नेक्स्ट है, अब आता है यंग से रिलेटेड, तो यंग चैम्पियन ऑफ अर्थ ये विद्युत मोहन है, चैम्पियन ऑफ अर्थ विद्युत मोहन। यंग मैथमेटिशियन रामानुजन अवार्ड ये मिला है कैरोलिना अराउजो को। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए रामानुजन में क्या है, अराजुओ, कुछ साउंड कर रहा है ना, रा इसमें भी है और जे आ रहा है, इसमें भी रा और जे आ रहा है, ठीक है। तो इससे मिलाइएगा इसे, कैरोलिना तो कॉमन नेम है, ठीक है, तो रामानुजन अराउजो ऐसे करके याद रखिएगा। और चैंपियन ऑफ अर्थ कौन है, विद्युत मोहन है। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान, तानसेन मिला है सतीश व्यास को, तानसेन मिला है सतीश को, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर अवार्ड, ये महाराष्ट्र के हैं रंजीत सिंह दिसाले, इनको मिला है ग्लोबल टीचर रंजीत सिंह, ठीक है, कोई ट्रिक बनाकर याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है कायाकल्प, कायाकल्प अवार्ड मिला है एम्स भुवनेश्वर को, कायाकल्प मिला है एम्स भुवनेश्वर को। नेक्स्ट है बैंकर ऑफ द ईयर श्याम श्रीनिवास। अब देखिए श्रीनिवास से पहले भी आया था एक जगह, वो क्या था एक बार देख लेते हैं, श्रीनिवास कर्णम, तो ये क्या था, टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस थे श्रीनिवास और सुब्रता, तो ये टेलीकॉम स्किल थे। और ये जो श्रीनिवास हैं, ये श्याम श्रीनिवास हैं बैंकर ऑफ द ईयर, ठीक है, इस थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको आसपास लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, श्याम श्रीनिवासम बैंकर ऑफ द ईयर है। फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर किसको मिला है, रॉबर्ट इरविन को मिला है, रॉबर्ट इरविन को मिला है। नेक्स्ट है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्वियसली IREDA इसको मिला है, रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे RE याद रखिएगा तो ध्यान आ जाएगा, ग्रीन ऊर्जा से, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ओलंपिक लॉरल अवार्ड, ये मोहम्मद यूनुस को मिला है, ओलंपिक लॉरल मोहम्मद यूनुस। कलिंग रत्न सम्मान ये मिला है विश्वभूषण हरिचंदन को, कलिंग रत्न विश्वभूषण हरिचंदन को मिला है। नेक्स्ट है गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ये सेल को मिला है, क्यों, क्योंकि इसका इस टाइप से इसने पूरा ऑर्गेनाइज किया है कि वहाँ पे कम से कम पॉल्यूशन हो, क्योंकि ये सब इंडस्ट्री जो होती हैं थर्मल पावर प्लांट्स, पूरा जो स्टील के सारा जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इसने इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है, इसलिए इसको ये अवार्ड मिला है, गोल्डन पीकॉक एन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड सेल। नेक्स्ट है तिलक नेशनल अवार्ड, तिलक मिला है सीरस पूनावाला को, ठीक है, तिलक नेशनल अवार्ड सीरस पूनावाला। नेक्स्ट है सरला अवार्ड, ये नित्यानंद नायक को मिला है, सरला अवार्ड किसे मिला है, नित्यानंद नायक, ये कौन है, उड़िया पोएट हैं। नेक्स्ट है मोहन बगान रत्न शिवाजी बैनर्जी को, बगान से बैनर्जी याद रखेगा, मोहन बगान रत्न शिवाजी बैनर्जी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड, अरब ए से, अरब ए से अब्दुल अहब, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा इससे, इनको मिला है। सर्व वुमेन एक्सलेंस अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वुमेन है, ऊपर से फोर यहाँ पर लेडीज़ हैं, और सब कौन है, सब डॉक्टर हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, सब डॉक्टर हैं। शोभना कपूर फर्स्ट नेम याद रखिए, शोभना, सोनू, अंतरा और ऋतु, ठीक है, अंतरा रा से फिनिश हो रहा है, रा से स्टार्ट हो रहा है, अंतरा ऋतु, और दोनों ऐसे हैं स्टार्टिंग वाली, शोभना सोनू, शोभना सोनू अंतरा ऋतु, ऐसे याद रखिएगा, ये क्या है, ऐसे ही स्टार्ट है, सर्व वुमेन है, ठीक है, ये सारी डॉक्टर्स हैं, इनको मिला है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ये मिला राजेंद्र कुमार भंडारी को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट, राजेंद्र कुमार भंडारी। नेक्स्ट है डैन डेविड अवार्ड, ये मिला है गीता सेन को, ठीक है, गीता सेन, एक कौन थी, गीतांजलि राव थी, उनको किड ऑफ द ईयर मिला था, ठीक है, और ये दूसरी कौन है, गीता सेन है, ये डैन डेविड अवार्ड मिला है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ये मिला है रुमाना सिंह को, अब याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें भी मैन आ रहा है ह्यूमैनिटेरियन, और इसमें भी मैन आ रहा है, ठीक है, रुमाना सिंह, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी मिला है सुरेश मुकुंद को, सुरेश मुकुंद को, ठीक है, तो यहाँ पर 60 हमने रखे हैं टॉप, ये कम से कम इतने याद रखिएगा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं अवार्ड,
तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, देखिए WHO डायरेक्टर की तरफ से क्या मिला है, स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला है। कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है। उसके बाद गोल्ड रिकॉग्निशन एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट, इसको मिला है हैदराबाद का एयरपोर्ट लिमिटेड GMR, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। जापान का फुकुओका अवार्ड पी साइनाथ को मिला है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर, इनोवेशन पार्टनर किसे मिला है? लार्सन और टूब्रो को। नेक्स्ट है कोर नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0, ये है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है इनविंसिबल गोल्ड मेडल इंटरनेशनल का मिला है रमेश पोखरियाल को, जो कि फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हैं थे। व्यास सम्मान, ये व्यास मिला है पगाड़े को, ठीक है, व्यास सम्मान पगाड़े को। ज्ञानपीठ अवार्ड ये नंबूथरी को मिला है, ज्ञानपीठ नंबूथरी, ठीक है। सरस्वती सम्मान सरस्वती शरण को मिला है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के रजनीकांत को मिला है। इकोनॉमिक टाइम्स रतन टाटा को मिला है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है रस्किन बॉन्ड को, किस पे? वंडरफुल लाइफ पे। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन कमला हैरिस। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर हेमंत कुमार पांडे। किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव। नेक्स्ट है बेस्ट एयरपोर्ट स्काईट्रेक्स के अकॉर्डिंग हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा में। प्लैटिनम पार्टनर EPFO GD बिरला सुमन चक्रवर्ती। नेक्स्ट है मिस इंडिया मानसा वाराणसी तेलंगाना से। मिस यूनिवर्स एंड्रिस मेसा मैक्सिको की मेसा। मिस इंडिया USA वैदेही। नेक्स्ट है बुकर अवार्ड डगलस स्टुअर्ट को मिला। इंटरनेशनल बुकर मार्के लुकास। 2020 है दोनों, 21 में डेविड डायोब को मिला है। जर्मन बुक ट्रेड पीस ये अमृत सेन को मिला है। नेक्स्ट है भरत भारती सूरबाला। टैगोर अवार्ड कबूस बिन सईद संदीप सोपारकर को मिला है 20 का, ठीक है। उसके अलावा कबूस बिन सईद को 20 का गांधी पीस प्राइज भी मिला है, और गांधी पीस प्राइज 21 का मिला है मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट है रवीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड राज कमल झा को मिला है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एक्सीलेंस पीलीभीत टाइगर रिजर्व टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस श्रीनिवास सुब्रता को। छत्तीसगढ़ वीरनी तुति चंद को मिला है। UNPA पॉपुलेशन का हेल्प एच इंडिया। UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड इन्वेस्ट इंडिया। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड UNCCD के थ्रू फैमिलियल फॉरेस्ट्री को मिला है। नेक्स्ट है जेम्स अवार्ड मधु माधवी। वर्ल्ड फूड शकुंतला हरक सिंह। फूड सिस्टम विजन नांदी फाउंडेशन को मिला। नेक्स्ट है बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस उमंग ऐप को मिला। बिहार मोहन कृष्ण बोहरा। ई पंचायत UP। एमिनेंट इंजीनियर VK यादव। यंग चैंपियन ऑफ अर्थ विद्युत मोहन। यंग मैथमेटिशियन रामानुजन कैरोलिना अराउजो। नेक्स्ट है तानसेन सतीश व्यास। ग्लोबल टीचर रंजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट है कायाकल्प अवार्ड एम्स भुवनेश्वर। नेक्स्ट है बैंकर ऑफ द ईयर श्याम श्रीनिवास। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन। ग्रीन ऊर्जा IRED। नेक्स्ट है ओलंपिक लॉरल मोहम्मद यूनुस। कलिंग रत्न विश्वभूषण हरिचंदन। गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पे सेल को मिला है। नेक्स्ट है तिलक नेशनल सिरस पूनावाला। सरला अवार्ड नित्यानंद नायक। मोहन बगान शिवाजी बनर्जी। इंटरनेशनल अरब अब्दुलहब सर्ब वुमेन शोभना सोनू अंतरा ऋतु, ठीक है। SC डिजास्टर मैनेजमेंट राजेंद्र कुमार भंडारी। डैन डेविड अवार्ड गीता सेन। ह्यूमैनिटेरियन रोमाना सिंह। कोरियोग्राफी सुरेश मुकुंद। ये लास्ट हो गया, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार, और भी वीडियोस देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं। इसके अलावा हम UP असिस्टेंट टीचर के लिए मास्टर वीडियो अपलोड किए हैं, तो उनको भी चाहिएगा तो देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।